ब्रैंडन। ब्रादर, ये देख कैसे लग रहा हूँ, जान रहा हूँ, बहुत ही स्लो स्लो फैलिंग, ये देख कैसा है। ओए बड़ी वीआईपी किस्म की बर्फ है और तू टीआईपी लग रहा है, ये ले इजी फील कर। हेलो राहत, कैसी हैं आप? आई एम फाइन। कैसा लगा हमारा गेस्ट हाउस? ठीक है यार। दिल लग गया या? दिल नहीं लगा, लेकिन गेस्ट हाउस अच्छा है। ये लो, ये अब घर है ना, अब मुझे बताओ। हाँ, मुझे बताओ। क्या बताऊँ? हाँ, क्या हुआ? क्या बताओ? नहीं, जब तुम्हें अच्छा भला पता कि मुझे एक आलू तक उबालना नहीं आता, तो तुमने जाके वहाँ पे ये जवाब पेश करने की क्या जरूरत थी कि मैंने तो इससे इसलिए शादी की है कि खाना बड़ा अच्छा पकाती है। अरे बाबा, तारीफ करना भी एक मुश्किल है, अजाब है। वो मेरे दोस्त थे, उनको कोई ना कोई तो जवाब देना था ना। हाँ यार, जवाब देना था ना, तो फिर मैं भी कोई जवाब दूँ ना, मैं भी बताऊँ ना उनको फिर, है ना? हाँ, मतलब तुम्हारा। अच्छा तमीना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, जब तुम्हारी बड़ी बाजी लड़ चुके ना आपस में, फिर मुझे बुला लेना। अब क्या खाक लड़ना है, तुम ठहरो, मैं ही चली जाती। नहीं नहीं, आप लोग लड़े ना, मेरी वजह से क्यों शर्मा रहे? लड़े 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 लड़े, क्या खाक लड़ना है? आप सारा फ्लो ही तुमने तोड़ दिया बीच में बोल के। हाँ, बोलो बोलो बोलो, बोले चली जाओ। मैं बोलूंगी, तुम ऊपर आओ ना, मैं फिर तुम्हें बोल के बताऊंगी। ऊपर जाके फ्लो बना लेना। क्यों नहीं, क्यों नहीं? हां, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मंजूर है, एक कमरा चाहिए जी। जी कितने दिनों के लिए? इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। 3 दिन सिफारिश ढूंढने के, 1 दिन इंटरव्यू का, और 3 दिन सिफारिश पर अमल दरामद के, कुल मिलाकर 7 दिन हुए जी। इस हिसाब से तो आपकी मुलाजमत यकीनी दिखाई देती है। रैम्बो, आप यहाँ साइन करते हैं। ओहो, क्या चीज हो? My name is Rambo, Rambo, John Rambo, on duty, cockroach killer. इन्हें 7 नंबर में छोड़ो। अच्छा जी, मुझे दे जी, वैसे अजनबी मुसाफिर को क्या पता है जी के मेरे वाला कमरा किधर है, जिसे रैम्बो जी जान रैम्बो ने सफा करना है। खासे दिलचस्प आदमी मालूम होते हो। नहीं जी, खासा नहीं जी, मैं काफी सारा दिलचस्प आदमी हूँ जी। वैसे सर जी, मुझे बड़े लतीफे आते हैं, अगर आप कहें तो एक हाथ सटूं जी। नहीं नहीं, सुनाने की क्या जरूरत है, चलते फिरते नजर आ रहे हो। हाँ जी, कितने सर जी, ये देखें जी, ये जी आपका कमरा, और जिस टाइम किसी टाइम एनी टाइम आपको किसी चीज की लोड पड़े सर जी, आप आवाज मारे रैम्बो रैम्बो जान रैम्बो द कॉकरोच किलर। सर जी, ये जो मुराद है ना जी, मुराद इससे बच के रहे। मुराद, ये कौन है? सर जी, वेरी डेंजरस मैन, खतरनाक आदमी है जी, हर फेरे पे टिप मांगता है। तुम नहीं मांगते? और नहीं सर जी, अपना तो मामला जरा कुछ और ही है सर जी। रंग तो मेरा काफी काला है, पर मुस्तकबल बड़ा चिट्टा है जी, ब्राइट फ्यूचर। सर जी, मुझे आपकी दुआएं लोड हैं जी, बस। मेरी दुआओं पे ना रहना, मैं खुद दुआएं देकर टिप मांगता हूँ। अच्छा जी, सर जी फिर बात सुने, आपके लिए मुरादा ही ठीक है, मैं चलता हूँ जी। किथे रह गया जी? बाबा जी किधर? तुम यहाँ क्या करती हो? और बाबा जी, मैं यहाँ मैनेजर हूँ। अच्छा, और वो? आप इसे छोड़े, मुझसे बात करें। कंगूरे नु समझीदा हुंदा, मैं पूजा रहने के लिए आया हूँ, कमरा मिल जाएगा इस मुर्गी के साथ? और बाबा जी, ये गेस्ट हाउस है, कोई मुर्गी हाउस नहीं है। 350 रुपए किराया है एक दिन का कमरे का। बस जी, मैं 400 रुपए दूंगा। कहाँ से? अपनी डब से। वो मिसेस शमीम ने मुझे बुलाया, मैं अभी आती हूँ। अब बाबा जी यहाँ सिग्नेचर करें। कौन सी नेचर? अब कचहरी वाले नेचर करें, ये तो करें। अच्छा, ये पेन निकालें ना, सही लगाएं। अच्छा, ये अच्छा, रैम्बो। हाँ जी, एक मिनट। ये बाबा जी को 10 नंबर कमरे में छोड़ दें। 10 कमरे क्या करने, एक कमरे काफी है। कमरा एक ही है जी, नंबर 10 है। मेहरबानी बाबा जी।
ये मुर्गी काउंटर पे जमा करा के जाए। जब तक आप यहाँ रहेंगे ना, ये मुर्गी हमारे पास जमा रहेगी। अच्छा अच्छा, चलो मेहरबानी। हाँ, इसके दाने पानी का ख्याल रखना। हाँ जी, बहुत ख्याल रखेंगे। हाँ, ऐसा ख्याल रखेंगे बाबा जी कि ये बस आपके ख्यालों में ही रह जाएगी। अच्छा, मेहरबानी। जाना किधर है? कम बिफोर मी, मेरे पीछे पीछे। अच्छा चलो बेटा जी, पीछे पीछे आना मेरी चाल में। बहुनवीर देसी उन क्या है? मुर्गी को अंग्रेजी में कहते हैं ना हैं, में कहते हैं। वो तो हांडी पे जब जाए तब कहते हैं, पहले तो हुन होती है। अच्छा, ये एक मेहमान की मुर्गी है, इसका खास ख्याल रखना है। अच्छा, ये वो वाला ख्याल रखना है, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे पुनता कोई और है। ये कैसा रहेगा? ओह माय गॉड, ये लो, ये जो सहावत है ना, ये एक मुकद्दस पेशा है, इसे आप येलो टाइटल लगा के येलो जर्नलिज्म बनाना चाह रहे हो? अरे बेटी, तुम यहाँ इस्लामाबाद पे आकर बिल्कुल तुम्हें हरा ही हरा दिखाई देने लगा है हर तरफ। तो हरियाली किसको अच्छी नहीं लगती? क्या कर रहा हूँ तुम? मैं तुम निकलो यहाँ से। हम सारा चलो हाँ सर, मैं बस आप कमरे में पहुंचे, मैं अभी ठीक करवा देता हूँ। वेलकम जी। अस्सलामुअलैकुम। जी मेरा नाम मसरूर है। मसरूर, मैंने पहचाना नहीं है आपको सर। मुझे एक अदद कमरा चाहिए। मैं माफ कर देता हूँ सर, मैं सर कितने दिनों के लिए? जब तक जरूरत रही। वाह 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 वाह, देसी यखड़ी मोटे कलेजियों, क्या बात है क्या बात है। कोई बात नहीं है, ये हमारी अपनी टिप टाप है। ओए जान रैंबो की, अपनी एक बात है, अपनी एक बात है। और कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ओए और तुम फिर आ गए, मरवा दिया ना तेरी इस बात ने। ओए बात सुनो, तुम पहले भी आए थे, इतने शर्म नहीं आई तुम्हें कि फिर आ गए हो तुम? इतने जलील हुए थे, मुझे शर्म आ गई। आपको कमरा शमिया, चलो जाओ। बात सुनो, इधर करो यार। यार हम यहाँ रहने सहने नहीं आए जनाब, हम तुम्हें मासी जनते का स्नेहा देने आए। खैर तो है, ये हुई ना बात। हाँ क्या बात है, क्या बात है। ओए जान रहा भोगी, अपनी एक बात है, अपनी एक बात है। और तू जाओ इसको स्टोर में बंद कर। अच्छा, मैं इनको जरा इजी फील करा के आता हूँ। अच्छा, ओए तू जाके पका इसको, हम अभी आ रहे हैं। नहीं यार पका, बात क्या इधर बात। हाँ अजय सर, कभी जरूरत पड़ सकती है। बहुनवीर, मुर्गी ने यूं डारी मारी ना, मैंने यूं फ्लाइंग कीच कर के दे दी, टिची मिची कर ली। जज्बाती कस्टमर सारी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गरीब आदमी है। खैर आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं यहाँ एक इंटरव्यू देने आया हूँ। अच्छा बहुनवीर, तो इनकी सिफारिश के लिए हमें सिफारिश ढूंढनी पड़ेगी, मतलब इंटरव्यू के लिए, कि ये खुद ही कर लेंगे? ये इंटरव्यू देने आए हैं, घर से सारा इंतजाम करके चले। तुम मुझे इनसे ज्यादा अकलमंद लगते हो। आपने लगते हैं, मेरा मतलब है सर कि मैं मैनेजर हूँ, ये वेटर है, जाहिर है अकल में फर्क तो होगा नहीं। मुराद जी, इनको 8 नंबर कमरे में पहुंचा। अच्छा जी, आई सर। सर आप ये साइन प्लीज कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको टिप टॉप से कमरे में चलो। सॉरी सर। आप TIP का मतलब समझते? हाँ कभी कभी। नहीं नहीं, तो मैं भी बार बार तो नहीं, मैं एक ही दफा समझाता हूँ। आए बात सुनो जी। हाँ जी, बाय। हाय बाय।
स्मार्ट आंटी, कैसी हैं आप? आंटी कोई लाठी निकल आई है क्या? हाँ बस यूं ही समझ लो। हाँ, और लाठी के दो हाथ भी हैं, दो पैर भी हैं, मुस्कुराती भी। बस चलने लगी शक की हवा। ये शक की हवा आपकी मशकूकाना हरकत और सकनात की वजह से पैदा होती है। मेरी बीवी कभी अपने शोहर पर एतमाद और एतबार करके भी देख लो। वो एतमाद ही किया तो रह रही हूँ मैं आज तक, लेकिन वो कहते ना कि चोर चोरी से चला जाए, हेरा फेरी से नहीं जाता। तुम जैसी औरतों को बात का बतंगड़ बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। शुरू कर दी ना इल्जामात की लंबी फहरिस्त। इल्जामात की फहरिस्त नहीं, तो मुझे ये बताओ कि मेरे साथ तो तुम इस कदर जले भुने रहते हो, और जरा मैं बाहर गई तो सीटियां बज रही हैं, मुस्कुराहटें इधर से उधर, इधर से उधर। ये मुस्कुराहटें और ये सीटियां ना, जब मैं बात बताऊंगा आपको तो आप भी कहेंगे। अच्छा क्या बात है? आज मैंने अपने गेस्ट हाउस का हिसाब किया, आमदन और अखराजात का, तो मुझे पता चला कि हमारा गेस्ट हाउस इंतहाई मुनाफे में जा रहा है। हाय नहीं शमी, ईमान से। खाना भाई, एक मिनट पानी, रोटी भी ले आओ एक और। एक मिनट पानी। अच्छा जी, रोटी रोटी रोटी। एक और रोटी रोटी। सालन, एक सालन आ दो। पानी पहले ना, पानी। हेलो मसरूर, तुम? कब आए? मैं तो यहीं था, लेकिन तुम यहाँ कैसे? भाई मेरे डैडी तो अपने रिसाले के लिए ना सरकारी इश्तहार लेने आए थे। मैंने सोचा मौका बहुत अच्छा है, तुम्हें पता है मैं मौके की कितनी तलाश में था, तो मैं क्या इस्लामाबाद घूम फिर। भाई जब से तुमने यूनिवर्सिटी छोड़ी है ना, तुमने तो बिल्कुल शक्ल नहीं दिखाई। छोड़ो, कम अज कम कभी कभी टेलीफोन ही कर लेते। अच्छा छोड़ो पुरानी बात। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊँ की तुम्हें यहाँ अचानक किस तरह देख के ना बिल्कुल तुम यकीन नहीं कर सकते कि मुझे कितनी खुशी हुई है। मुझे भी बहुत खुशी हुई। नहीं नहीं, बहुत खुशी हुई। सब लोग बैठे और लॉन में चलते हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी जी। वेटर जी 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 जी, इधर भी ध्यान दो जी। ध्यान दिया जी, फुल दिया। फरमाएं। खाना ले आओ। खाना? इसमें इतना हैरान होने की क्या जरूरत है? मैंने कोई मनोसलवा तो नहीं मंगवा लिया तुमसे? हाँ लेकिन। लेकिन क्या, खत्म हो गया खाना? नहीं खत्म तो नहीं हुआ है, बहुत है लेकिन। फिर वही लेकिन, जहर मिला दिया किसी ने खाने में? जहर नहीं मिलाया लेकिन। अजीब इंसान हो तुम, तुम्हारे पास लेकिन के अलावा कोई लफ्ज है? हाँ हाँ जी है लेकिन। फिर वही क्या बकवास है, जल्दी से लेकर आओ खाना। खाना जी आपने खाना तो, लेकिन आपने खाना तो खा लिया है जी। मैंने? हाँ जी मैंने खाना खा लिया है। हाँ जी। और तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग तो ठीक है, आपका पेट खराब है। मेरे खुदा मैं किस गेस्ट हाउस में आ गया हूँ, जल्दी से खाना लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। राजी अभी तो आपने ये खाना खाया, ये सारी प्लेटें तो आपने खाली की। ये सारा खाना मैंने खाया? हाँ। और तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं ये प्लेट तुम्हारे सर पे दे मारूंगा, समझे? मैं सिर पे दे मारूंगा, प्लेट टूट जाएगी, बिल आप पे पड़ जाएगा, मेरे सर पे अभी दे मारूंगा। क्या, 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 क्या बात है, मुझे बताएं क्या मसला है? मसला क्या है जी, ये गेस्ट हाउस है, ये दिमागी अमराज का अस्पताल, ये आपने क्या चीज पाल रखी है यहाँ? ले जी चीज। ओए मैं जिंदा जीता जागता आदमी हूँ, अच्छा खासा औलाद वाला आदमी हूँ, ये क्या कह रहा है जी मुझे चीज? तुम चुप रहो मरा। जी आप बताएं जी क्या बात है, मुझे बताएं मसला क्या है? मसला क्या होना है जी, सारी भूख खत्म कर दी है इस खबीस इंसान ने। कोई
आपको यूं भी बुलाता है सबके सामने? भाई क्या हुआ, मैं कोई बहुत ऊंचा बोली थी क्या? नहीं नहीं, आप तो बहुत ज्यादा स्लो बोली है। लेकिन इसमें डरने की क्या बात है, तुम एक क्लास फेलो नहीं थे क्या? अरे बाबा तुम बिल्कुल नहीं बदली रहा, हो बहू वैसी की वैसी पुरानी। अच्छा क्लास पूछो तो सेक्शन और रोल नंबर बताने वाली लड़की। तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मनाती ना, इसलिए चें करते जा रहे हो। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ यहाँ कैसे आए तुम? मैं मैं यहाँ एक अदद इंटरव्यू देने आया बस। अब तुम दुआ करो मेरे लिए, मेरे लिए दुआ करो कि मैं जल्दी से सेलेक्ट हो जाऊँ। लेकिन मैं क्यों दुआ करूँ, मेरा क्या फायदा? अरे बाबा तुम्हारा ये फायदा है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, तुम्हारे अब्बा जान के लिए दुआ करूंगा ताकि उन्हें सरकारी इश्तिहार मिल जाए। बेफिक्र रहो, उनके रिसाले का नाम है महनामा पगड़ी उछाल, उन्हें किसी दुआ की जरूरत नहीं है। मैं भी आता हूँ जरा। तुम कहाँ जा रहे हो? वो जरा मैंने खलाल करना था ना, मैं आता हूँ। देखिए आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, मैं शाम में आके आपसे क्लियर बात करता हूँ। एक मिनट बाबा जी, मैं शाम में आऊंगा। फिर ये है कि एक मिनट बाबा जी, बड़ी जरूरी बात। हाँ जी मैं इस तरह मैं ले जाऊंगा फिर। मैं आपको अभी दोबारा रिंग करता हूँ जी। जी बाबा जी। काका मुर्गी कैसी है? मेरा मतलब है कि मुर्गी ने रोटी छोटी खा ली है? हाँ जी हमने खा ली है। क्या रोटी? अच्छा अच्छा रोटी का टाइम हो गया, मैं भी रोटी खाऊंगा। जाना किधर है? ये मैं तार मुड़ के जोड़ता हूँ, पहले मैं बाबा जी को। नहीं नहीं बाबा जी, मैं आपको ना देसी मुर्गी खिलाऊंगा। बाबा जी की छेड़ है देसी मुर्गी, वो चिकन जल फ्रेजी खिलाता हूँ। अच्छा नहीं बाबा जी, नहीं देसी मुर्गी नहीं, आपको मैं ना चिकन जल अफरोजी खिलाता हूँ। चलो ठीक है, जाना किधर है? आए मेरे पीछे पीछे, चलो पीछे पीछे आना मेरी चार। बाबा जी आपने तो मेरा गाना ही तब्दील करा दिया। अरे सुनो, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। कौन है आप और ये मुझे तुम कहकर क्यों बुला रही हैं? हाय मसरूरी, क्या हो गया तुम्हें? मसरूरी? अब मैं तुम्हें तुम नहीं कहूंगी तो क्या आप कहूंगी? शक्ल से तो पढ़ी लिखी दिखाई देती हैं आप मुझे, लेकिन बात करने की भी तमीज होनी चाहिए। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इंटरव्यू से पहले ही सिलेक्ट हो गया शायद। इंटरव्यू? मेरे इंटरव्यू के बारे में आपको किसने बताया? तुमने अभी टूथपिक्स लाने से पहले। ओ मुहतरमा, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। अबे बात सुनो, खाना भी नहीं खाया, खा के फूल के कुप्पा हो गया, खाना भी नहीं खाया। मेरा दिल करता है कि मैं सारे गेस्ट हाउस को कच्चा चबा के खा जाऊं। मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ मेरी टांग, मेरी टांग छोड़ो। मुझे सब मालूम है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं सब जानता हूँ, लेकिन इस बात की तुक समझ में नहीं आती कि जो शख्स तुम्हें टिप ना दे उसे सिरे से तुम सर्व ही नहीं करते। सर जी मैं बकायमी होशो आवाज सच कहता हूँ जी, कि मैंने उसको इन गुनहगार हाथों से जिनसे आपके घुटने पकड़े हुए थे जी रोटी दी है जी। फिर मत अपनी जुबान को गुनहगार करो, वो इंसान है, कोई जिन तो नहीं है कि दो चार आदमियों का खाना अकेला ही खा जाएगा। वैसे शमीम साहब मेरी अम्मी कहती है कभी कभी जिन भी इंसान बन के आ जाते हैं। इनकी अम्मी सर बहुत अच्छी है। भगवान, और तुम खामोश रहो, तुम जानती हो कि ये जो कुछ कह रहा है ना, इसने जो कुछ किया ये अच्छी तरह से जानता है इसने क्या किया है। जी अब मैं क्या कहूँ जी, मैं गरीब आदमी हूँ, सच भी कहूंगा तो भी झूठ होगा जी। अच्छा जी बस ठीक है जी, मुझसे टिप की खातर गलती होगी जी, अब आंदा गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए जी, मेरे हाथ बंधे हुए थे। जाना किधर है? बाहर। ये जाना किधर है? पता नहीं जी। मेहरबानी। दो कमरों में एक ही लड़का। ओ सॉरी सर, आपने तो मेरा मोशन ही तोड़ दिया जी। जी फरमाए। तुम्हें गाना गाने के अलावा कोई और काम आता है? हर वक्त गाना गाते रहते हो ना, कोई कपड़े इस्त्री कराने का इंतजाम है? हाँ जी है जी, आप देंगे? ये लो। हाँ जी। और जरा कपड़े इस्त्री करवा लो। अच्छा। और बात सुनो। हाँ जी। यार पूरी बात सुन लिया करो पहले, तुम्हें जाने की बहुत ज्यादा जल्दी होती है। जल्दी जाना है और जल्दी आना है, मुझे बहुत जरूरी काम है। कभी तो आता है तो कहता है हेलो, क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हो?
मुझे जल्दी जाना है, जल्दी कमरी इस्त्री करा लो। जी किस किस्म का गेस्ट आ गए? जी तहसीन शाह हसन उबैद मलिक मुदसर, बस मैंने नोट कर लिया जी। हाँ जी नवीद, ये गेस्ट हाउस में कोई मुर्गी भी आके ठहरी? जिधर देखो मुर्गी की कुड़कुड़ करने की आवाजें आ रही। हाँ वो नहीं मैडम, दरअसल एक बाबा जी आए हुए हैं यहाँ पे, वो देसी मुर्गी साथ लेके आए थे वहां से। तो बाबा पुलिस माफ कीजिएगा, मैं मुखिल हूँ। जी मुखिल तो आप हो ही चुके हैं, लेकिन हमारे एक ऑफिसर साहब की फैमिली लाहौर से आई थी, यहाँ तो नहीं ठहरे वो लोग। तुम कहाँ चुप गए? उठो पुलिस का तुमने उधार दे। अच्छा ठहरी फैमिली है। अच्छा सर उनका नाम क्या है? ये पुलिस वालों की फैमिली की बात कर रहे हैं। आप क्या टीवी पे आते हैं? नहीं जी यहाँ नहीं ठहरी हुई। आपको यकीन है? जी मैंने रजिस्टर देखा है, और मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको। शुक्रिया, खुदा हाफिज। शुक्रिया। ये पुलिस वालों को कुछ ज्यादा ही शक करने की आदत नहीं, बीवियों की तरह? नहीं जी इस्लामाबाद की पुलिस बहुत अच्छी है। हाँ वैसे एक बात है, ड्रेसअप बहुत स्मार्टली होते। हाँ जी मैंने भुगता हुआ जी। सर जी हाँ। आपके कपड़े इस्त्री करा के ले आए हैं जी। मेरे कपड़े? यार कैसी बातें कर रहे हो तुम? नहीं सर जी आपने थोड़ी देर पहले कपड़े दिए थे ना कि इस्त्री करा के ले आओ। मैंने? हाँ जी आप कर रहे हो? नहीं आपके, आपने ही मुझे दिए थे जी इधर ही अभी अभी। इसका मतलब यह है कि रात अफ्जा की शरारत लगती है जी। ओ नहीं नहीं मेरा मतलब ये मेरे ही है, ये मेरे ही कपड़े हैं। ऐसे करो जी के तुम ये जरा बूट ले जाओ, यहाँ कोई इंतजाम है पॉलिश का? हाँ जी है जी बिल्कुल है जी। तो फिर यार जल्दी से जरा बूट पॉलिश करवा दो। नहीं ये काम मेरा तो नहीं है ना जी, ये तो रेम्बो का काम है। तो यार बाबा बुलाओ ना रेम्बो को। और रेम्बो छोटे काम करने वाले मुलाजिम जरा जल्दी आ। क्या क्यों शोर मचा रहे हो मिस्टर लालटेन, क्या हुआ? शोर नहीं मचा रहा यार, अपना इनके बूट जरा पॉलिश करा के ले आओ। अच्छा जी सर ऐसे करो रेम्बो के जल्दी से जाओ और फर्स्ट क्लास किस्म की पॉलिश करवा के लाओ एकदम पिच। सर जी मैं ऐसे आया और ऐसे गया, ये देखो। सर जी हाँ इतनी बो तो मेरे बूटों से भी नहीं आती जी। मेरे बूटों से आती है, तुम्हारे पास से भी आती है। नहीं ना भी लिया करो कभी। सर जी माई ना मिस रेम्बो, रेम्बो जान रेम्बो। वैसे सर जी गुस्सा ना करें, गर्म पानी से कभी पैर धो लिया करें। अपने काम से काम रखो, चलो चलो। मैं ये अभी आया जी, ये गया यार मुराद। वैसे देसी मुर्गी की अपनी बात है। हाय हाय हाय। और विलायती स्वेटर की भी अपनी बात। क्या मतलब क्या? दिन में तुम चार पांच रंगीन स्वेटर तब्दील करते हो। मैंने कहा ये चक्कर क्या है? मैंने रेडी वाले से पूछा, उसने कहा मेरे से ही लेके जाता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम काका। मैं आया किस लिए था? हाँ बाबा जी आप पानी पी ले, फिर अपना मुराद पानी लेके। हाँ याद आ गया। अच्छा काका जी मुर्गी ने पानी पी लिया? जी बिल्कुल पी लिया जी। अच्छा मेहरबानी। अच्छा काका मैं एक नजर देखना लू मुर्गी को। हाँ हाँ क्यों नहीं जी, बिल्कुल आपको देखना चाहिए, आपकी चीज है। लेकिन बाबा जी पता क्या, मुर्गी इस वक्त इजी फील कर गई है। अच्छा आप भी इजी फील करें, मेरा मतलब है आराम आराम करें। अच्छा हाँ जी खुदा हाफिज जी। काका जाना किधर को है? ऊपर। नहीं मैं बता दूं बाबा जी। आए मेहरबानी मेहरबानी। सर जी ये देखें जी, मैं लिशका मुझका के लेके आया हूँ जी। देखें आप मुंह भी देख सकते हैं अपना। किसके हैं ये, किसके हैं ये बूट, ये क्या बदतमीजी है? सर जी आपने मुझे दिए थे जी पॉलिश कराने के लिए। मैंने? हाँ जी मैंने तुम्हें दिए थे। हाँ। यार तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। सर जी आपने मुझे दिए थे जी, वो बो भी आ रही थी जी। अजीब लोग हैं ये, कभी खाने को नहीं देते और कभी मुफ्त में बूट दिए जा रहे। और मेरे कपड़े? सर जी ये बूट पकड़े। हाँ? कपड़ों का बंदोबस्त भी ऊपर आला कर देगा जी। मुझे बूट दिए पॉलिश करा के ना, पॉलिश करा के लाए। कहता मेरे आए यार, मेरे से भी आए, मेरे भी लाए। वाह वाह राहत अफ़्ज़ा वाह, बेचारा कितनी अहमक नजर आती है। लेकिन सालिम की चॉइस देखो कैसी गजब की है। ये लड़कियां चाहे जितनी भी ना समझ हो लेकिन कपड़ों के मामले में बहुत समझदार होती है।
तुम मुझे ये बताओ, और तुम मुझे ये बताओ कि तू इस गेस्ट हाउस का दुश्मन क्यों हो गया है? तू उस शख्स के पीछे क्यों पड़ गया? आप क्या किया है इसने? क्या किया है? उसके कपड़े हजम कर गया है, और इसका नदीदापन देखो, कहानियां बना रहा है, स्टोरियां बना रहा है, कह रहा है कि जी मैंने कपड़े इस्त्री करके उसके अपने हाथ में पकड़ा है। और सर जी मैं बेदीद नहीं हूँ जी, मैं सच कहता हूँ जी, मैंने खुद कपड़े इस्त्री करा के उसी के हाथों में दिए जी। ना तो उसकी क्या दुश्मनी हो तेरी उस शख्स से? जी मैं खुद परेशान हूँ जी, देखे जी मैंने उससे TIP तक तो नहीं ली, इससे बड़ा सदमा मेरे लिए और क्या हो सकता है जी। काका मालक काका, मुर्गी कैसी है? ये कौन शख्स है? ये मुर्गी का क्या चक्कर है? कुछ नहीं सर। बाबा जी, बाबा जी आए जी, मैं आपको आपकी मुर्गी के साथ मिलवा दूं जी। जाना किधर है? ओहो आप मेरे पीछे पीछे आए। अच्छा चलो जी काका, चलो जी। रूम नंबर 15 की चाबी दे दो प्लीज। हाँ जी आ तमीना। हेलो राहत। अरे भाई तुम्हारा सूट भेजने का बहुत बहुत शुक्रिया। कौन है आप और मुझे तुम कह के क्यों बुला रहे हैं? अरे पापा क्या हो गया तुम्हें, क्यों मजाक कर रही हो? फिर वही तुम, वैसे शक्ल से तो पढ़े लिखे दिखाई देते हैं, बोलने की तमीज तो है नहीं। ओहो अरे बाबा गुस्सा आप जाने दो, अब मैं तुम्हें तुम नहीं कहूँगा तो क्या आप कहूँगा? जी आप कहेंगे आप। ओहो अच्छा बाबा, जो भी मेरा कसूर था अब मुझे माफ, और सूट भेजने का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। केड़ा सूट? मैंने कोई सूट नहीं भेजा, बहुत खुशफहमी होती है लोगों को। अरे अब तुम बिला वजह नाराज हो रही हो, यूनिवर्सिटी वाली आदत तुमने अभी तक नहीं छोड़ी, ऐसे ही। जी बाबा जी क्या बात है? समझीदा हुंदा। बाबा जी ये हमारे बड़े अच्छे गेस्ट हैं, और बात को समझे बाबा जी, बात ये है कि आपकी जो मुर्गी है ना, वो देसी घी जूस सूप ये बहुत कुछ लंच डिनर बड़े लंबे चौड़े करती है। अच्छा। तो 50 रुपए तो उसका हो गया बिल। अच्छा। और 10 रुपए हो गए TIP। अच्छा। बस ये कुल टोटल 60 रुपए हो गए। मैं तो मैं दूंगा 100 रुपए। हेलो बाबा जी 100 रुपए, बाबा जी BIG बिग TIP। कहता था कि आपके रिसाले की तो कोई सर्कुलेशन ही नहीं, आपको क्या इश्तेहार? अब देखना, ऐसा चक्कर चलाया है कि अगले महीने खुद आएगा घर इश्तेहार देने के लिए। राह बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो बेटी? मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ तो हुआ है, रो क्यों रही हो तुम? आपने वापस चलना या नहीं? वापस? लेकिन क्यों? बस इस गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगता मेरा, जल्दी से वापस चलिए। क्या किया है इस गेस्ट हाउस वालों ने? बहुत कुछ है, तुम देखना मैं ऐसी पगड़ी उछालूंगा इस गेस्ट हाउस वालों की कि सारी उम्र याद करेंगे ये लोग। टिप टिप करता मैं कमरे में आता हूँ, आएंगे मेहमान टिपे दे जाएंगे हमें लम्मी ना। ये क्या? ये इसका मैंने घूंघट उठा के नहीं देखा जी। घूंघट मैं कहता हूँ डाला ये है क्या, किसने भेजा ये? ये वो जी यही इसी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए जी, उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा अगर आपने नहीं भेजा तो क्यों नहीं भेजा, तो अगर आपने नहीं भेजा तो मैंने वापस भेजा, और वो साथ ही दुआएं दे रहे थे जी, कहते थे खुश रहा हो। ज्यादा बातें मत करो। अच्छा जी ऐसा करो कि जिसने ये थाल भेजा है ना, जरा उसे तो भेजना है यहाँ पर। नहीं जी कैसा करो जी? मैं कह रहा हूँ जिसने ये थाल भेजा उसे भेजो। अच्छा जी भेजो। चलो यहाँ से। अगर वो ना जी तो मैं खुद ही आ जाऊँ। मैं कहता हूँ जाता है नहीं। ना भाई। वो जी आपको उधर उन्होंने बुलाया जी। किसने बुलाया? वो अपना एडिटर साहब ने जी। ये एडिटर साहब कौन है? ओ जी राहत बीबी के वालिद साहब। ओ यार मैं एडिटर को नहीं जानता, तुम कह रहे हो राहत बीबी? ये कमाल है, आप बड़े लोगों के भी मजाक अजीब ही होते हैं। अच्छा हमें क्या कहना है जी, वैसे आपकी मर्जी है, चले अगर चलने लगे ना जी, जरा परे होके चले हैं जी। ऐसे कौन है, आ जाओ। मुझे याद फरमाया जी। तुम याद फरमाएंगे चीजों? तशरीफ रखो। इधर इधर। शुक्रिया। देखो भाई मैं अपनी औलाद के बारे में सख्ती का कायल हर किस में,
अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी आदत है, अपना अपना नजरिया है, और कभी ये सोच गलत भी हो सकती है, इसमें कोई ऊंच नीच भी हो सकती है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा जी। मतलब मैं अभी समझा। मैं मानता हूं कि मेरी बेटी से गलती हुई है कि तुम्हें तोहफा भेज दिया, और अगर इसने तोहफा भेजा भी तो भाई उसे तुम रख लेते, कम से कम मेरी बेटी का दिल तो न टूटता। देखिए जनाब, ना तो किसी ने मुझे कोई तोहफा दिया है और ना ही मैंने किसी का कोई तोहफा वापस किया है। आप अजीब बात कर रहे हैं। तुम क्या समझते हो कि मेरी उम्र मजाक करने की है? ना तो मेरा आपके साथ कोई मजाक है और ना ही मैं मजाक करने के मूड में हूं। मैं सच कह रहा हूं। सच कह रहा हूं। मैंने किसी को कोई तोहफा वापस नहीं किया। कोई तोहफा वापस नहीं किया तो ये क्या है? देखे से, देखे। क्या है ये तोहफा? नहीं तो क्या है? देखो देखो अपनी आंखों से। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आप ये काम भी करते हैं? ये काम क्या मतलब? मतलब ये कि इस गेस्ट हाउस के मुलाजमीन जो हेरा फेरी और बददियांती करते हैं उसके असल सरगुना आप हैं। क्या कह रहे हो तुम? शिकायतें, बेगम साहब जी, ये ज्यादा नहीं होगी जी? बकवास बंद करो तुम। वो गया वो सूट दे आया, तुम गए तुम बूट दे आया। किसको दिए बूट? बेगम साहब जी, मैं मुराद थोड़ा ही जी, माई ना अमित रैम्बो रैम्बो जान रैम्बो जी, मैंने तो उसके हाथों में खुद बूट दिए। किसके हाथों में? जिसने मुझे दिए थे। किसने दिए थे? जिससे मैंने लिए थे। किसने मिस्टेक, किसने क्या? उसने मुझे दिए। क्या क्या, ये बिल्कुल गलत बात है। शमीम तुमसे सही नहीं मिलता। कान तुम्हारे पकड़ाएगा ना तुम सुत हो जाओगे। ऐसे खाम खा में अपना दिमाग खराब कर रही हूँ। दिमाग खराब कर रही हूँ? एक तो मियां बीवी को तनख्वाह काटने का बड़ा शौक है जिसे देखो। अरे यार, देख के चला करो भाई। आपकी तनख्वाह कटे ना तो मैं देखता हूँ आप कैसे देख के चलते हैं। काला बिल्ला रास्ता काट गया, अल्लाह खैर ही करे। काला बिल्ला नहीं, जान बिल्ला। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मेरा इंटरव्यू है, दुआ करें सिलेक्ट हो जाऊं। शरीफ बाय। दुआ करें? मैं तुम्हारी पुफी लगती हूँ? आज मेरा इंटरव्यू है, दुआ करें सिलेक्ट हो जाऊं। ये क्या? क्या लालटेन किस्म की तूप है, जीरा भी होती तो क्या बात थी। सानू नहर वाले पुल ते डॉक्टर का नंबर बताएं जल्दी से। सर करिए तो यार, आप बहस मत करें, मुझे नंबर बताएं। अच्छा इस तरह करें सर, कपड़ा मुर्गी कैसी है? बाबा जी आप अपने कमरे में चले, मैं अभी मुर्गी आपके कमरे में। जाना किधर है? ऊपर ऊपर। ओह ये गेस्ट हाउस है, ये पागल काला। वो आया, वो आके उसने वहां पे चाबी रखी और उसने कहा कि मेरा मेरा इंटरव्यू मेरे लिए, दुआ करें कि नहीं। वही जुमला उसने भी बोला। फिर चलोगे? जरूर चलेंगे पापा जी। कितने पैसे? 60 रुपए दे दे। 60 रुपए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये टैक्सी है या एयरबस? एयरबस नहीं है जी, फेयर बस है। देखो ना तो मैं दुबई से आया हूँ और ना ही मेरा दुबई जाने का प्रोग्राम है। आपको मैं सरे से मुसाफर ही नहीं समझता पापा जी। आप जैसा बहस करने वाला बंदा कभी टैक्सी नहीं लेता। तुम जैसे ड्राइवर के साथ सफर करने से बेहतर है इंसान पैदल ही सफर कर ले। जाओ जी जाओ पापा जी। फिर चलोगे भाई? आपका दिमाग ठिकाने आ गया अब है? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझ जैसे ड्राइवर के साथ आप सफर कर लेंगे ना पापा जी। ओहो यार, क्या तुम गरीब आदमी जरूर है लेकिन हम जैसे इंसान हो। लेकिन इसके बावजूद 60 रुपए से एक तेला कम नहीं लूंगा। तो किसने कहा कि 60 रुपए ना लो? चलो यार, देर हो रही है, चलो जल्दी चलो। हाँ मेरे मौला, ये कैसा वक्त आ गया, वो एक टैक्सी की खातर इतने जल्दी रूप बदल लेता इंसान। यार बहस ना करो, चलो मुझे देर हो रही है भाई।
थैंक यू सर। अच्छा तो मसरूर साहब ये बताएं कि आपने एमए रेगुलर किया है या प्राइवेट? सर एमए मैंने रेगुलर किया जी। वेरी गुड। कौन सी यूनिवर्सिटी से? सर जिक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान से जी। आपके कागजात तो हमने देख लिए, माशाल्लाह फर्ज़ भी हासिल। थैंक यू सर। अच्छा तो मसरूर साहब ये बताएं कि पंजाबी की एक मशहूर किताब दो पत्तर अनारद किसने लिखी? दो पत्तर? सर मैंने नहीं लिखी सर। क्या मतलब? सर मुझे नहीं मालूम। आपको ये भी नहीं मालूम कि ये मशहूर किताब मैंने लिखी है? कमाल आदमी है, आ जाते हैं इंटरव्यू देने। सॉरी सॉरी सर। मसरूर साहब अदबी ग्रोहबंदी के बारे में आप क्या जानते हैं? सर मैं अदबी माफिया से जरा दूर ही रहता हूँ सर। मसरूर साहब एजाज खटकाने वाले का शेर सुनाएं। एजाज खट सर उनका तो कोई शेर अपना होता ही नहीं सर। क्या मतलब? सर हमारे उस्ताद कहा करते थे कि वो दूसरों की गजलें अपने नाम से शायर करवाते हैं। क्या क्या आपके उस्ताद होते कौन है मुझे चोर शायर कहने वाले? मैं तुम्हें भी देख लूंगा और तुम्हारे उस्ताद को भी। चले आप जाएं। सॉरी सर मैंने नहीं कहा सर, मेरे उस्ताद ने कहा है सर। आप जाएं बस। सर वो मेरा इंटरव्यू बहुत हो चुका इंटरव्यू, अब आप जाएं। नेक्स्ट। यस सर। चलें। चले साहब चले, आपने भी इंटरव्यू दिया बाहर चले। मैंने अभी इंटरव्यू नहीं दिया भाई। अब किस बात का इंटरव्यू देना है आपने? तो क्या इंटरव्यू मुलतवी हो गया? आपका दिमाग तो ठीक है, अभी तो आप अंदर से इंटरव्यू देकर आए हैं। नहीं नहीं मुझे ऐसी कोई बात कहने की जरूरत नहीं, मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, मैं अंदर नहीं गया अभी, मैं अंदर से लेट हो गया था थोड़ा सा। क्यों झूठ बोलते हैं आप, अभी तो आप मेरे सामने अंदर से आए हैं। भैया मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, मैंने इंटरव्यू नहीं दिया अभी। आपने सुना नहीं आपको क्या कहा गया? निकालो इनको धक्के देकर। मैंने इंटरव्यू नहीं दिया यहाँ से, आप लोगों को बात करने की तमीज नहीं है, आप अजीब बात कर रहे हैं। रैम्बो जिन रैम्बो जान रैम्बो जिन रैम्बो अनगर है, ये ड्रामा तू क्यों कर रहा है? मेरी जान इस तरह नगर याद नगर नगर इस तरह का ड्रामा आदम्बो बदबो अगर तुझे छुट्टी चाहिए तुझे पैसे चाहिए मैं आ जाऊं इस तरह ना कर जिन रैम्बो रैम्बो ना कर यार अरे अरे बा तुझे टी आई पी की कदम है मुझे छोड़ना, तुझे चीरा की कदम है, देखो जी लोगों ने तुझे जी समझ के चीरा की कदम बिराट देनी है और तुझे मार जा रहा है तुझे टी आई की कदम है। जीरा जीरा रैम्बो चल रैम्बो जीरा रैम्बो नहीं खाओ खा वो बुला दे। हाँ वो मैं तो बाहर लॉन में था यार, ये किधर वो इधर बाजू तो यार उधर खाब में भी दो गेस्ट हाउस में भी दो दो इधर एक शक्ल के दो एक शक्ल के दो ना ये अचानक ट्रकोला की वापसी बाहर निकल, ऐसे ही मुझे डरा रहा था। दो इधर दो उधर दो एमी खाम खाम मुझे परेशान कर रहा है जिन रैम्बो मुझे डर रहा। आ रही है कि वो एक ही शख्स सीढ़ियां उतरा, उसने आके चाबी काउंटर के ऊपर रखी है, उसने कहा कि मैं जा रहा हूं इंटरव्यू के लिए मेरे लिए दुआ करें, वही शख्स दोबारा सीढ़ियों से उतरा, उसने चाबी काउंटर पे रखी कहा मेरे लिए दुआ करें मैं जा रहा हूं इंटरव्यू के लिए, ये किस तरह हो सकता है? उसी वक्त एक शख्स आया फिर वही आया। मैं कहता हूं किस तरह नहीं हो सकता, ठीक है एक आदमी आया उसने चाबियां तुम्हें दी, फिर उसके बाद दूसरा आदमी आया उसने चाबियां तुम्हें दी, तुमने पहले आदमी की चाबियां रखी, दूसरे नहीं शमीम दूसरा नहीं ना आया, वही आदमी आया ना वो जो पहले आया बिल्कुल वही आया, उसने आके वही जुमला कहा चाबी रखी और वो चला गया, फिर वही दोबारा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि जब इंसान के दिमाग में खलल हो ना खराबी हो तो ऐसे ही हुआ करता है। नहीं नहीं ये खलल नहीं है बिल्कुल, मैंने अपनी दोनों इन आंखों से देखा, बिल्कुल सही दिमाग से देखा, बिल्कुल मेरे दिमाग में खलल नहीं था, क्यों मैंने तुम्हें बताया कि वो जिन होगा, जिन जिन होगा, जिन किस तरह हो सकता है, उसकी शक्ल आदमी जैसी थी, जिन किस तरह होगा, वो उसके सीन थोड़ी थे। मैं कहता हूँ बस करो यार बस करो, मैं बस कर लेती हूँ, खामोश हो जाओ। काका हाँ
एक दिन माने ने तरक्की बड़ी कर ली है, मिनट में काका इधर मिनट में गया काका काका मुर्गी कैसी है? बाबा जी मुर्गी आपकी बड़ी फर्स्ट क्लास है। अच्छा, मेहरबानी, अभी उससे मिलवाते हैं। अच्छा, आपको अच्छा, जी अभी मिलवाते अच्छा, हैं। एक मिनट। हाँ मिस्टर मीना, ये बाबा जी घर से नाराज होके आए, ये देखो इनका इश्तारा है, आप इनको जरा मेरे ऑफिस में बिठाए, मैं इनके घर इतला करता हूँ। बाबा जी आप जरा यहाँ मुर्गी से मिलने जाके काकी के साथ। जाना किधर है? वापस। बड़ी चंगी काकी है, काकी खंगूर है, समझी रहा हूँ। बड़ी चंगी काकी। वो यूं करके ऐसे करके उतरा सीढ़ियां, उसने आके ना चाबी रखी काउंटर पे, कहने लगा कि जी मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करें, चला गया। वही दोबारा उसी वक्त उतरा, चाबी रखी है, वही जुमला बोला और चला गया। और चाबियां दो, ख्वाब में भी दो, फिर गेस्ट हाउस में दो, बेगम साहब को भी दो। नहीं मैं दो नहीं, दो नहीं, एक एक बंदा एक। ऐसे करके उतरा वो सीढ़ियां से, चाबी रखी है, उसने कहा कि जी मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, निकल गया। उसी वक्त वही दोबारा उसी वक्त आके चाबी रखी, चला गया। ये नहीं समझ आ रही वो दोबारा क्यों आया। यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि वो दोबारा इतनी जल्दी किस तरह आया, ये किसी की समझ में नहीं। ओए पहुंच गया हूँ बेगम साहब जी। कहा बात सुने बेगम साहब जी, ये ना मुझे कोई अंग्रेजी फिल्म का सीन लगता है ना। क्या बकवास कर रहा है, ये चाबी रख दीजिएगा। हाँ जी बेहतर। और प्लीज कोई मैसेज हो तो नोट कर लीजिए, बेफिक्र हो जाइए, कर लेंगे। अरे सर मैंने मुराद की तनख्वाह से 35 रुपए काटे हैं और रैम्बो की तनख्वाह से 22 रुपए और अगर मुझे पहले ये मालूम होता कि आपके इस गेस्ट हाउस में ऐसे ऐसे नामाकूल लोग आकर ठहरते हैं तो मैं हर किस यहां का रुख ना करता, समझे आप। लेकिन जनाब ये तो बताइए आखिर हुआ क्या है? होना क्या है ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। चुप रहो। अच्छा, पहले मेरी बेटी के साथ मजाक किया, उसके बाद मुझे चोरों का सरगना बनाया और फिर मेरी बेटी को बेहोशी के दौरे पड़ने शुरू हुए और आप कहते हैं कि क्या हुआ। ओ जनाब हमें ये तो बताइए आखिर ये सब कुछ किया किसने, जब तक हम नाम नहीं बताएंगे हम उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। खामोश है जी, है यही है वो शख्स, यही है वो शख्स जिसने मेरी तौहीन की थी, मुझे चोरों का सरगना बनाया, यही हो जाए। मैं ये पूछता हूँ आपसे, आप यहाँ खुद गेस्ट ठहरे हुए, आप हमारे दूसरे मेहमानों की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? आप अजीब बात कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तब से मेरी क्लास फेल हो रही है, इनके वालिद साहब की तौहीन करना तो दूर की बात, मैं इनके बारे में कोई ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। तेरे भाई मंजूर, तुम? हाँ मैं इंटरव्यू देने आया था, मैं भी इंटरव्यू देने आया था, आपका हमशक्ल होने की वजह से मुझे मार पड़ गई। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ओ जी सर, ये मेरा भाई है, हम दोनों सके भाई हैं। दरअसल जब ये छोटा सा था तो खाला इसे अपने साथ लाहौर ले गई थी, अब ये खाला के पास ही रहता है। अच्छा तो मुझे अब ये समझ आई है। चलें शुक्र है आपको तो समझ आ गई। अब्बू जी आपको समझ आया? मुझे तुम लोगों को समझ आई? नहीं जी ऐसी समझ आई कि फुल समझ आई। देखें जी ये इस तरह के जो भाई होते हैं ना तो उनको अंग्रेजी में कहते हैं टनानन, ट्विन होता है वही ना, जिसे उर्दू में कहते हैं जड़ा वाला, जुड़वा। याला सारे मेरे से खामखा नाराज होने, इतनी सी बात है कोई मुझे समझा दे किस तरह मुमकिन है कि एक शख्स सीढ़ियां पर से चाबी रखी, वो गया, वही दोबारा आया, चाबी रखी, चला गया, बंदा एक। देखो बीवी बात सुनो, इनसे मिलो, ये हैं मसरूर साहब। हाँ मैं अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई इनको देखो, मिलो इनसे। मैं मिल लूंगी, मुझे तुम ये बताओ कि एक शख्स क्यों कर। रैम्बो भाई लेकर आओ मंजूर साहब को। आइए आइए आइए, आप भी बैठिए, इधर बैठते हैं साथ ही। देखिए ये कौन है और ये कौन है, ये है मसरूर साहब और ये है मंजूर साहब। अब ये क्योंकि मंजूर साहब हैं, ये मंसूर साहब हैं, मसरूर साहब हैं। देखो देखो देखा। अब समझ आया?
ये वो दे गया था ना चाबी, दूसरा दे गया था चाबी, ये आप क्या फोटोस ले? हेलो मसरूर। मसरूर मैं हूँ।